महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के ऊपर बयान देकर फंसे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे अब आर पार की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सीएम उद्धव पर विवादित बयान देने के मामले में शिवसेना की ओर से उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, तो वहीं इस पर राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो किसी से डरते नहीं है क्योंकि केंद्र में भी उनकी ही सरकार है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नारायण राणे ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कही थी। राणा ने दावा किया था कि सीएम उद्धव को ये भी नहीं पता कि देश कब आजाद हुआ था। उन्होंने कहा था कि अगर उनके भाषण के वक्त में वहां होता तो जोरदार थप्पड़ मारता। इस बीच जानकारी मिली है कि नासिक से पुलिस की टीम नारायण राणे को हिरासत में लेने के लिए रवाना हुई है। इस बयान के बाद नारायण राणे के खिलाफ महाराष्ट्र के नासिक और महाड़ में FIR दर्ज कराई गई है। वहीं शिवसेना सांसद विनायक राउत ने कहा कि राणे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरशिप को इम्प्रेस करने के लिए राणे शिवसेना और उसके नेताओं पर हमला कर रहे हैं। वहीं NCP नेता और राज्य सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने भी राणे के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सीएम को थप्पड़ मारने का बयान देना महाराष्ट्र का इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी महाराष्ट्र की राजनीति उसी तरह गंदा करने की कोशिश कर रही है जैसा उसने बंगाल में किया था। महाराष्ट्र की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं शुभदा चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।